अगर आपकी बजट बहुत ही ज्यादा कम है, आप स्पेसिफिकेशन लोडेड बाइक्स के बारे में जानना चाहते हैं, बाइक्स लेना चाहते हैं, सो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि आज मैं बताऊंगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे मोस्ट वेटिंग 125cc बाइक्स के बारे में। एंड इनमें सबसे पहले नाम आता है होंडा सीबी 125 की। इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे मोस्ट वेटिंग इसके लिस्ट में ये पहले नंबर पर आता है, क्योंकि होंडा सीबी 125 इतना ज्यादा स्पेसिफिकेशन लोडेड है, जब ये इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे आएगा ना, इसे डायरेक्टली कंपीट करेगा KTM ड्यूक 125 के साथ। तो सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, माइलेज कितना देता है, इसके अंदर आपको प्राइसेस क्या देखने को मिलता है एंड टॉप स्पीड क्या है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या पर मिस मत करना। सो आई एम सुदीप फ्रॉम द रिव्यूज द रिपब राइडर्स एंड आप सभी को रिव्यू सलाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉल, मैं आपको कहना चाहूंगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे होंडा के पास सिर्फ और सिर्फ हॉर्नेट 2.0 एंड एक्स ब्लेड अवेलेबल है, जिसका सेल थोड़ा बहुत होता है, बट इसकी कंपेरिजन में अगर यामा की MT-15, बजाज पल्सर NS-200, टीवीएस अपाची RT-204B को लिया जाए, तो उसकी सेल बहुत ही ज्यादा होता है, होंडा की सेल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सो होंडा इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता है कि रिसेंटली इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे हॉर्नेट 2.0 एक्स ब्लेड को लोग उतनी ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है। सो होंडा इसीलिए इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे बहुत सारे बाइक को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसी के अंदर दो बाइक आता है, बॉय होंडा सीबी 125 एंड होंडा सीबी 150। बट इस वीडियो के अंदर बात करेंगे होंडा सीबी 125 के बारे में। एंड ये कोई सिंपल सी बाइक नहीं जहां पर आपको 125cc देखने को मिलता है, ये बहुत ही स्पेसिफिकेशन लोडेड बाइक है। सो बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो 125cc बाइक्स होने के बावजूद भी इस बाइक के अंदर आपको पहले तो सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, 4 वाल्व, लिक्विड कूलिंग के ऑप्शन मिलता है, जहां पर 6 स्पीड गियरबॉक्स भी है दोस्तों। DOAC इंजन है, FI टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिसके कारण आपको यहां पर 50+ KMPL की माइलेज देखने को मिल जाता है। 12 लीटर फ्यूल टैंक के साथ आएगा। एंड फ्रंट पर आपको गोल्डन कलर की USD सस्पेंशन, 110x76 इंच की फ्रंट टायर होने जा रहा है। रियर पर आपको 156 इंच के टायर प्रोवाइड किया जाएगा। पहले तो होंडा की 125cc बाइक है जहां पर आपको इतनी ब्रॉड टायर मिल रहा है, USD सस्पेंशन मिल रहा है, 6 स्पीड गियरबॉक्स, लिक्विड कूलिंग की ऑप्शन मिल रहा है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अगर बात किया जाए, सो ड्यूअल चैनल ABS तो नहीं आएगा, क्योंकि 125cc का बाइक है, सिंगल चैनल ABS के साथ आएगा, ड्यूअल डिस्क ब्रेक आएगा। फ्रंट पर डिस्प्ले आपको बहुत ही ब्रॉड देखने को मिलता है, 300mm की फ्रंट डिस्प्ले, जो कि आपको NS-200 पर आता है, वही डिस्प्ले आपको होंडा सीबी 125cc के अंदर देखने को मिल जाएगा। रियर पर आपको प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोसक सस्पेंशन स्प्लिट सेट के साथ आएगा। फ्रंट पर आपको राउंड शेप हेड लैंप देखने को मिलता है, जो LED के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, जितने भी इंडिकेटर से आपको LED के साथ ही मिल जाता है। बाइक्स के अंदर आपको फ्रंट पर USD सस्पेंशन जो गोल्डन कलर की होगा। आप बात करते हैं इस बाइक की मीटर कंसोल के बारे में, भाई आप को यहां पर TFT स्क्रीन प्रोवाइड किया जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट पर रिसेंटली TFT स्क्रीन के साथ होंडा सीबी 125 को रीलॉन्च किया गया है। सो आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे भी आपको TFT स्क्रीन प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स यानी कि ब्लूटूथ एंड नेविगेशन के ऑप्शन, यानी कि आप एक बार सोच कर देख सकते हो, होंडा की ये फर्स्ट 125cc बाइक है जहां पर 156 की रियर टायर, सिंगल चैनल ABS, 6 स्पीड गियरबॉक्स एंड स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स यानी कि ब्लूटूथ नेविगेशन के ऑप्शन, USD सस्पेंशन, इतनी ज्यादा स्पेसिफिकेशन आपको मिल रहा है। आप बात करते हैं इतनी ज्यादा स्पेसिफिकेशन तो मिल रहा है, बट प्राइसेस क्या हो सकता है, 150,000 के अंदर इसकी ऑन रोड प्राइस हो सकता है, एक एक्सपेक्टेड प्राइस है, क्योंकि अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया होंडा की ओर से कि प्राइसेस क्या हो सकता है। बट मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं KTM ड्यूक 125 की जो प्राइस है उससे बहुत ही ज्यादा कम होगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट पर जब यह बाइक आएगा। आप बात करते हैं इंडियन टू व्हीलर मार्केट पर बाइक को कब तक लॉन्च किया जाएगा। होंडा इस बाइक के बारे में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि कब तक लॉन्च हो सकता है, बट एक एक्सपेक्टेड डेट की अगर बात किया जाए, सो होंडा डेफिनेटली कोई स्पेसिफिक फेस्टिव सीजन पे इसको लॉन्च करेगा, नहीं तो इसकी पब्लिसिटी उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगा। सो होंडा का फर्स्ट 125cc वो भी इतनी स्पेसिफिकेशन लोडेड होने जा रहे, सो खासकर कोई फेस्टिव सीजन पे ही लॉन्च करेगा। आई होप 2023 पे अगर लॉन्च होता है सो आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। बट मैं आपको कहना चाहूंगा, आप MT-125 एंड होंडा सीबी 125 के बारे में इतना भी वेट मत करो। आप अगर कोई तुरंत बाइक लेना चाहते हो, डेफिनेटली वो परचेस कर सकते हो, एंड आप अगर वेट करना चाहते हो तो आप इन दोनों बाइक्स के बारे में वेट कर सकते हो। सो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही तक था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलता है अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।